हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग फंडा। कार्यक्रम वाला जो पार्ट था वो काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा हिमालय अलग से बना लूँ। ओके, कार्यक्रम के बाद दो माउंटेन रेंज और आते हैं, लद्दाख और जास्कर। जास्कर के बाद आता है हमारा हिमालय। ठीक है, तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे हिमालय के बारे में। ठीक है, बेसिकली हम हिमालय को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। जो सेकेंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं हिमाचल, और जो थर्ड पार्ट है उसको हम बोलते हैं शिवालिक रेंज। इनकी जो हाइट है ना वो डिक्रीज करती रहती है, डिक्रीज करती है। सबसे ज़्यादा हाइट किसकी होगी? हिमाद्री की, आफ्टर दैट हिमाचल की, आफ्टर दैट शिवालिक की। ठीक है ना, अब एक एक करके हम देखते हैं हिमाद्री क्या है, हिमाचल क्या है, शिवालिक क्या है। ठीक है, हिमाद्री को हम और किस नाम से जानते हैं? तो हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। जितने भी आपके माउंटेन रेंजेस, हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, सब यहीं पाए जाते हैं। और माउंट एवरेस्ट की बात करूं तो वो भी हिमाद्री में ही है। ठीक है, कंचनजंगा जो है वो भी हिमाद्री में ही है। ठीक है ना, वो कंचनजंगा याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक इन इंडियन हिमालय, तो वो है कंचनजंगा। बट अगर पूछा जाए हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो वो है K2, यानी गॉड इन आस्टिन। ओके, अभी मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ हिमाद्री। ठीक है ना, हिमाद्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हिमाद्री, ओके, जैसे मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ वैसे नॉर्मली आप भी बनाते चलेंगे। ओके, हिमाद्री को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेटर हिमालय। ओके, तो ये पहला पॉइंट आप नोट कर लें, ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं हिमाद्री को, हम ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट बोलता हूँ कि जितने भी हाईएस्ट माउंटेन रेंज हैं वर्ल्ड में, वो हिमालय में ही हैं। मतलब वर्ल्ड के नहीं, तो हिमालय जो है एक तरह से देखा जाए तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, इन वर्ल्ड लाइक माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट याद है ना, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक किस रेंज में है? तो ग्रेटर हिमालय के रेंज में या फिर हिमाद्री के रेंज में, दोनों में ऑप्शन में से कुछ भी दे सकता है, या तो हिमालय दे देगा या फिर हिमाद्री दे देगा। ठीक है ना, ग्रेटर हिमालय या फिर नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट के बाद से याद रखना कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा जो माउंटेन है, ठीक है ना, वो 8598 मीटर, इसकी चोटी है। ये हाईएस्ट पीक है इंडियन हिमालय में। किस में? हाईएस्ट पीक इन इंडियन हिमालय। ठीक है, इन इंडियन हिमालय, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, हाईएस्ट पीक इन इंडियन हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट पीक, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, याद रखना, नंगा पर्वत, वो हिमाद्री में ही आता है। ठीक है ना, नंगा पर्वत जो है वो कहाँ पे है? हिमाद्री में ही है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, नंगा पर्वत किस में है? हिमाद्री में ही है। ठीक है ना, चीज़ और याद रखना। ठीक है, इसकी जो एवरेज जो द हाइट है वो 61 मीटर है। कितनी है? 6100 मीटर। ठीक है ना, एवरेज क्या है इसकी? हाइट है, एवरेज लंबाई है इसकी, यह हाइट हो गई सॉरी, एवरेज हाइट इसकी कितनी है? 6100 मीटर, और लंबाई आपकी पता ही है। ये हाइट हो गई, 2500 मीटर इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, चौड़ाई इसकी लगभग 25 मीटर है। ठीक है ना, 25 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, नंगा पर्वत जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, नंगा पर्वत जो है इसी इसी पर्वत पे है। ठीक है ना, नंगा पर्वत कहाँ पे? वेस्ट में है,
जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। और नामचा बरवा का नाम सुना होगा आपने, नामचा बरवा, ठीक है ना। ये आपका कहाँ पे है, ईस्ट में, इसी पर्वत पे। ईस्ट यानी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, नामचा बरवा और नंगा पर्वत दोनों जो है हिमाद्री में ही है, ठीक है ना। एनी कन्फ्यूजन? ओके, तो यहाँ तक याद रखिएगा। एक चीज़ और, नंदा देवी का नाम सुना होगा आपने, नंदा देवी, वो भी यहीं पे है। नंदा देवी कहाँ पे है? नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में, वो भी हिमाद्री पे ही है, ठीक है ना, याद रखना। ये सारे पॉइंट्स जो है हिमाद्री के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हम चलते हैं उसके बाद। हिमाचल, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मध्य हिमालय, लेसर हिमालय, ठीक है। अब देखते हैं हिमाचल, ठीक है। हिमाचल को हम लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में बोले तो मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय के नाम से, ठीक है। लघु हिमालय या फिर लेसर हिमालय, ओके। फर्दर हिमाचल की बात करता हूँ, तो इसकी जो पहले ऊंचाई देख लेते हैं, वो 1800 मीटर से 3000 मीटर के लगभग है। 1800 मीटर से 3000 मीटर क्या है इसकी हाइट है, ठीक है। अब बस इतना याद रखना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ, फटाफट से आप नोट करते जाएंगे। सबसे पहले साउथ, इसको क्या बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है, साउथ ऑफ हिमाद्री, साउथ ऑफ हिमाद्री के साउथ में स्थित है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी, पीर पांजल का नाम सुना होगा आपने, पीर पांजल और धौलागिरी, सॉरी धौलाधर, दोनों यहीं पे हैं, धौलाधर, ठीक है। पीर पांजल एंड धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना, वो कहाँ पे है, पीर पांजल श्रेणी, मतलब इसी का जो है श्रेणी जो है इसी का जो है पक्ष में वेस्ट है ना, ठीक है ना, ये याद रखेंगे ना। इस श्रेणी के मतलब दक्षिण पूर्व में करें, अगर साउथ ईस्ट की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ पे धौलाधर है, ठीक है, ये वेस्ट में है, ये साउथ ईस्ट में है, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व में धौलाधर, ठीक है। और नाग हो गया, रीवा मंसूरी हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, मतलब उसके साउथ ईस्ट में ही, ठीक है ना, श्रेणियाँ पाई जाती है, ठीक है। अब क्या देखा, शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, सब जो है इसी यहीं पाए जाते हैं, ये याद रखना, इसी हिमाचल पे ही पाए जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये जम्मू कश्मीर हाईवे जो है, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर को कहाँ हाईवे आता है, ठीक है, बनिहाल पासिस से निकलता है, कहाँ से, बनिहाल पासिस, इट इज़ ऑल्सो जो कि लोकेटेड इन पीर पांजल रेंजेस, ठीक है ना, पीर पांजल रेंजेस में। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ किसकी, शिमला की, शिमला कहाँ है, सेम यहीं पे पूछ लिया जाए क्वेश्चन। तो मसूरी कहाँ है, यहीं पे, ठीक है। नैनीताल कहाँ है, इसी पे है, हिमाचल पे ही, ठीक है। दार्जिलिंग कहाँ है, दार्जिलिंग यहीं पे है, ठीक है। अभी आप डलहौजी के नाम सुना होगा आपने, वो भी यहीं पे है, ठीक है। मनाली का नाम सुना होगा, कुल्लू का नाम सुना होगा, मतलब जितने हिल स्टेशन घूमने वाले हैं सब हिमाचल के ही है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं शिवालिक पे, किस पे, शिवालिक रेंज पे। दस शिवालिक रेंज, ठीक है। सबसे पहले जो था वो कौन सा था, हिमाद्री, देन हिमाचल, देन शिवालिक। शिवालिक को हम
आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, शिवालिक को हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। नाउ सदर्न मोस्ट माउंटेन है, माउंटेन रेंज है हिमालय का, ठीक है ना। सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय रेंजेस, ठीक है ना, माउंटेन रेंजेस, ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे जो आपको रॉक्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, लूज होते हैं, लूज सॉफ्ट रॉक्स पाए जाएंगे, लूज सॉफ्ट रॉक्स, ठीक है ना। और मड और सिल्ट, ठीक है। यहाँ पे लैंडस्लाइड्स जो होती है ना, भूस्खलन जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो कॉमन है, लैंडस्लाइड आर कॉमन इन शिवालिक रेंजेस, ठीक है ना, याद रखना। और यहाँ ही पे डून्स पाए जाते हैं, नैरो डून्स क्या है, एक तरह से नैरो वैलीज हैं, ठीक है ना, नैरो घाटियाँ जिसको क्या बोलते हैं हम, डून बोलते हैं, ठीक है ना। नैरो वैलीज आर कॉल्ड एज डून्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देहरादून का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, देहरादून यहीं पाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना आपको, ठीक है। एक चीज़ और, कुछ पासेज हैं, पासेज यानी दर्रा बोलते हैं उसको, ठीक है ना, जैसे खैबर का नाम सुने होगा, बोलन, खैबर बोलन, ठीक है, और गोमल, ये सारे दर्रा शिवालिक रेंज में ही पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। इन्हीं सब इसी शिवालिक रेंज का ना, जो आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट में आपने गारो खासी का नाम सुना होगा, ये मैं बताऊंगा, गारो खासी जो मेघालय के पास है, ठीक है ना, गारो खासी वो भी क्या है, एक तरह से पर्वत है, लेकिन इन्हीं सब का जो है ना विस्तार है, ठीक है ना, शिवालिक का ही क्या है विस्तार है वहाँ पे, गारो खासी, जयंतिया, पटकोई, लुसाई, ठीक है ना, ये जो भी पहाड़ियाँ हैं वो सब इसी पर्वत की क्या है, मतलब हिमालय पर्वत की क्या एक तरह से देखा जाए तो विस्तार है, जैसे अराकन योमा बाद में वहाँ पे म्यांमार में हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका हिमालय का टोटल, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन सा जो रेंजेस है वो कहाँ पे आता है, ठीक है ना, इसके बाद से मतलब हिमालय के बाद से मतलब ये रेंज, इसके बाद आता है आपका पूर्वांचल रेंजेस, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं शिवालिक, ठीक है। हिमालय यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसी में हम पूर्वांचल भी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर जो नॉर्मली जो भी आपके रेंजेस होंगे नॉर्मल हम एक मैप में देख लेंगे, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाज हैं, ठीक है, ओके। बात करते हैं हम पूर्वांचल रेंज की, चंचल ले रहा हूँ मैं, पूर्वांचल रेंजेस, ठीक है, सारे माउंटेन रेंजेस पढ़ लेते हैं पहले इंडिया के, उसके बाद में हम और टॉपिक्स पे देखेंगे, ओके। पूर्वांचल रेंजेस को ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ ऑफ इंडियाज, ठीक है ना, यानी इंडिया के ईस्ट में जितनी भी आपकी, ये ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट, इंडिया के ईस्ट में जितने भी आपके माउंटेन्स होंगे वो सब किस में आते हैं, पूर्वांचल बाउंड्रीज में आते हैं, ठीक है ना, पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस में आते हैं, ठीक है। पूर्वांचल हिमालय का बेसिकली क्या विस्तार है, बट वो अलग हो जाता है, इसलिए हम उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से जो हिल्स हैं आपके पूर्वांचल में आते हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही छोटे हिल्स होते हैं, लो हिल्स होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं का एग्जाम्पल्स मैं ले लूँ तो मैं बोल सकता हूँ पटकई हिल्स का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, पटकई हिल्स, ठीक है, नागा हिल्स जो नागालैंड में है, ठीक है ना, नागा हिल्स, मिजो हिल्स जो मिजोरम में है, ठीक है, ये सब कौन से हैं, पूर्वांचल रेंजेस में ही आते हैं, गारो खासी ये मेघालय वाले हैं, मेघा हिल्स, ठीक है ना, एंड जयंतिया हिल्स, ठीक है। अब इन सबको हम कहाँ देखने वाले हैं, मैप में देखने वाले हैं, ठीक है ना, ओके। मैप में आप इसको देखते हैं फटाफट, जो है एक मैप ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ओके।
ये हो गया आपका त्रिपुरा, इधर मिजो हिल्स आ गया। ओके देन फर्दर इधर हम जाएंगे, ये नामचा बारवा किनारे वाला। ओके आपको दिख रहा हो, दिख रहा है ना नामचा बारवा। फिर यहाँ पे हम इज इट विजिबल टू यू? ये गुजरात हो गया। फर्दर यहाँ से मैं जाऊँगा राजस्थान, राजस्थान जाने के बाद से मैं पहुँचूँगा कश्मीर सीधा, ठीक है? ओके तो ये रहा इंडिया पूरा, पूरा नहीं, अब ये हो गया इंडिया आपका, ठीक है? अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा पर्वत कहाँ पे, आप फटाफट से अपना होप के आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है? तो चलते हैं स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में देखते हैं पहले ये आपको इंडिया दिख रहा है, ऊपर के पर्वत देख लेते हैं माउंटेन रेंजेस, उसके बाद फटाफट, ठीक है? मैं मार्क करता जाऊंगा पर्वत रेंज बना के आपको बस, और बताता जाऊंगा कि कौन सा रेंज कहाँ पे, यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है? ये जो रेंज है सबसे पहला रेंज जो जम्मू कश्मीर में आपको दिखा रहा हूँ, ये माउंटेन रेंज, ऐसा मैंने दिखाया यहाँ वाला, ये नंबर वन है, इसको हम बोलते हैं काराकोरम, लिखते जाइए फटाफट। नंबर वन ये क्या है? काराकोरम, ठीक है? फटाफट, ठीक है? नंबर वन क्या है? काराकोरम, ठीक है? तो काराकोरम कहाँ पे आपको होप की समझ में आ गया होगा, इसको हम बोलेंगे काराकोरम, इधर नहीं दिख रहा, ठीक है? काराकोरम। नेक्स्ट जो रेंज बना रहा हूँ ये है जास्कर और लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख ऊपर है, जास्कर उसके नीचे जस्ट, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे दो दो लिख देता हूँ, ये तीसरी जो है वो लद्दाख की है। अब जो नेक्स्ट रीजन चलने वाला है वो है हमारा हिमालय का, ठीक है ना? ओके तो ये है हमारा हिमालय, यहाँ से स्टार्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये नेपाल, नेपाल है ना, ये क्या है? नामचा बारो, नामचा बारो चंबर की, ये रीजन जो है वो है आपका हिमालय, ठीक है? नंबर फोर इज हिमालय। ओके नेक्स्ट जो रीजन है नंबर फाइव, दैट इज पीर पांजल, जस्ट उसके नीचे मैं बना रहा हूँ पीर पांजल, दिस इज पीर पांजल। ओके ये नंबर टू था, नंबर थ्री, तो नंबर वन है आपका सबसे टॉप पे जो है काराकोरम रेंज है, काराकोरम नंबर वन, उसके बाद नंबर टू आपका लद्दाख रेंज, उसके बाद नीचे आपका ये लद्दाख, उसके बाद है आपका जास्कर, नेक्स्ट फोर इज हिमालय रेंज, ठीक है? हिमालय रेंज यहाँ से मुड़ के नामचा बरवा से मुड़ जाता है, नामचा बरवा से मुड़ के आके फिर म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हिमालय, मैंने बताया ना हिमालय रेंज का ही जो विस्तार है, एक्सटेंशन है, वही यहाँ पे पूर्वांचल रेंजेस बन जाते हैं, पूर्वांचल रेंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके नेक्स्ट, उसके बाद है शिवालिक रेंज, नंबर सिक्स शिवालिक रेंज, यहाँ से है, इसके जस्ट नीचे याद रखिएगा, ये शिवालिक रेंज हो गया, आप मैप में देखते ये पता करा तो पास मैप हो तो आप देख सकते हैं आप, ये एक अरावली पर्वत है जो कि राजस्थान में, यहाँ से, ठीक है ना? याद रखेंगे आप कौन सी पर्वत है, अरावली, इसके बारे में लिखा। ओके गुजरात में जो है वो कौन क्या है, गिर, गिर पर्वत, ठीक है? तो नंबर सिक्स हो गया शिवालिक, नंबर सेवन कर लो आप गिर को, ठीक है?
नंबर फाइव क्या था? नंबर फाइव था आपका पीर पांजल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। नंबर सिक्स हो गया शिवालिक रेंज, ठीक है, एंड नंबर सेवन कर लो आप गिर यहाँ पे। अब चलते हैं हम आपके यहाँ, पता है यहाँ पे जो हिल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, और ये जो हिल्स हैं उनको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ओके, इतना तो पता ही है, ये हो गया वेस्टर्न, ये देखो इसको घाट्स और ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब आते हैं हम पूर्वांचल रेंजेस में, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसमें माउंटेन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो है हिमालय का ही एक तरह से विस्तार है, ठीक है। तो पूर्वांचल रेंजेस में देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से आपके माउंटेन्स हैं, ठीक है। आप फटाफट से नोट करते रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, ये एक माउंटेन रेंज है छोटा सा, कौन सा नंबर था ये? नंबर 18 डाल लो इसको, ठीक है। तो नंबर 8 जो है आपका है ये पटकई हिल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पटकई। नंबर 8 क्या है? पटकई हिल्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओके 8 हो गया। उसके बाद से ये एक हिल है यहाँ पे जस्ट मीजो हिल्स के जस्ट ऊपर, ठीक है ना, मीजो हिल्स के जस्ट ऊपर देखना, तो ये जो हिल्स हैं यहाँ पे, ये वाले हिल्स, इसको हम बोलते हैं नंबर 9 बोल देते हैं। नंबर 9 जो है हमारा है, इसको हम बोलेंगे नंबर 9 को हम बोलते हैं जैंतिया हिल्स। क्या है ये? जैंतिया हिल्स, ठीक है ना। यहाँ तक याद हो गया। मेघालय में इंटर करते हैं, ठीक है, एक ये हिल्स यहाँ पे कर लो, एक ये हिल्स ले लो 10, 11, या फिर इसको ले लो 10, एक ये हिल्स हो गया 10, 11, ये 12, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये जो 10 है ये कौन सा हिल है? जो 10 है वो कौन सा हिल है? 10, 11, 12, इसको हम बोलेंगे मिकिर हिल्स, ठीक है ना। 10 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 10वां क्या है? मिकिर। 11वां क्या है? खासी, गारो पहले आता ना, ये गारो हो गया 12, गारो, खासी, और नागा हिल्स जो है नागालैंड में है, इसको कर लो 13, ठीक है ना, ये नागालैंड, नागा हिल्स, ठीक है, नागा हिल्स, अब क्या आपको दिख रहा होगा। उसके बाद से आते हैं हम मिजो में, मिजोरम में, तो ये जो मिजोरम का हिल्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? मिजो हिल्स, ठीक है, इसको नंबर 14 कर लो, ठीक है, 14 क्या हो गया? मिजोरम, मिजो हिल्स, ठीक है। और नेक्स्ट ये बच जाता है आपका 15 नंबर, त्रिपुरा हिल्स, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे जो हिल्स हैं वो कौन से हिल्स हैं? ये हैं त्रिपुरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम जो हिल्स थे वो मैंने ख़त्म करा दिए, ठीक है ना, जो भी इम्पोर्टेंट हिल्स थे त्रिपुरा हिल्स। होप कि आपको समझ में आया होगा इंडिया का ये जो मैप थे, ठीक है। तो बस बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पर्वत का ही चलेगा, माउंटेन्स का ही चलेगा, उसमें हम जो छोटा सा छोटा मोटा जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स हैं, जैसे धौलागिरी के बारे में और पीर पांजल के बारे में, कितना किलोमीटर, उसमें कौन सी नदी निकलती है, कश्मीर की घाटी के बारे में, ठीक है ना। ओके चलिए फिर डिस्कस करते हैं, हैव अ नाइस डे।